Dear students, welcome to learning management system of Saath, Kamyabi Hamare Saath. Dear students, आज हमारा MD CAT का chemistry का पहला lecture है जिसमें हम topic start करने जा रहे हैं atomic structure और उसमें UHS का syllabus है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन उनके मैस चार्ज और उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन फिर शेप्स ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये टॉपिक हम दो लेक्चर्स में खत्म करेंगे। पहले में हम शेप्स तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले है एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल जी है। इसको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर या न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर चूंकि एक नंबर है ये हमेशा होल नंबर में होगा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस चूंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं यूजली हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं तो न्यू प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस भी कहते हैं चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। इसी तरह ये किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा और फिर एटॉमिक नंबर से हमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का पता चल जाता है पीरियाडिक टेबल से क्योंकि पीरियाडिक टेबल जो मॉडर्न है वो अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स और फाइनली जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं यूजली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दे डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है मैस नंबर। मैस नंबर को ए से लिखते हैं एटॉमिक वेट और इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर चूंकि नंबर है ये भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स ऑलवेज इन होल नंबर क्योंकि नंबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है कि इतने प्रोटॉन है इतने न्यूट्रॉन है वो तो नंबर आएगा और ये ऑलमोस्ट इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्चुअली हम आइसोटोप की परसेंटेज से निकालते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट भी थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट फ्रैक्शन में आ जाती है और डिफरेंट होती है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास में से यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है ये देखिएगा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है तो ये 8 जो है ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। ओ इसका सिंबल है इसका नेम है ऑक्सीजन और इसका एटॉमिक मास है 15.99 और 9। अगर मास नंबर कहा जाता तो इसका मास नंबर 16 आता क्योंकि मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं आता। ये एटॉमिक मास है तो ये फ्रैक्शन में आ गया 15.999 यानी थोड़ा सा फर्क है एटॉमिक मास में और मास नंबर में। अगर हम एग्जांपल ले लें कार्बन की फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन 12 है तो इसका मास कितना आएगा प्रोटॉन 6 है न्यूट्रॉन 6 है तो 6 प्लस 6 कितना आ गया 12 तो इसका एटॉमिक मास यानी मास नंबर इसका 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज कार्बन एटम हैव न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं तो न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास में से नंबर निकाल देते हैं। नंबर कितना है 6 मास कितना है 12 तो 12 में से 6 निकाल दें इसमें न्यूट्रॉन 6 आ जाएंगे तो अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाल दें तो वो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स सबसे पहले देखते हैं डिस्कवर किसने किया। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट देखें तो जो इलेक्ट्रॉन था इट वॉज डिस्कवर्ड बाई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब में आप गैस फिल करके और उसको जब वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं 5000 to 10000 तो उसमें से रेज निकलती हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं जिनको हम
इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज कहते हैं। प्रोटॉन भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जबकि न्यूट्रॉन को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो थी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से डिस्कवर किया गया था। इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन है चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव की तरफ जाता है और न्यूट्रॉन किसी तरफ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। देखिएगा जरा, देखें ये हमारे पास पॉजिटिव एंड है ऊपर वाला और ये नेगेटिव एंड है, तो नेगेटिव की तरफ प्रोटॉन जाएंगे और पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जबकि न्यूट्रॉन जो है उनकी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। मैसेज, इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1095 × 10⁻³¹ किलोग्राम, प्रोटॉन का मैस 1.6726 × 10⁻²⁷ किलोग्राम और न्यूट्रॉन का मैस 1.6750 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। अगर हम इनके रिलेटिव मैसेज कंपैरिजन देख लें मैसेज का, तो कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं, जो हैवियर पार्टिकल होता है उसका मैस ऊपर लिख लेते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होता है हल्के वाला उसका मैस नीचे लिख लेते हैं। जैसा कि देखें मैंने प्रोटॉन का मैस ऊपर लिखा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैस नीचे लिखा है, तो आंसर आया 1836। इसका मतलब है जिस पार्टिकल का मैस ऊपर लिखा था ये 1836 टाइम्स हैवियर है जिसका मैस नीचे लिखा था उससे, यानी प्रोटॉन इससे 1836 टाइम्स हैवियर आ जाएगा और न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स हैवियर होता है। रिलेटिव मैसेज हैं, रिलेटिव मैसेज इलेक्ट्रॉन का 0.0054 AMU, प्रोटॉन का 1.0073 AMU और न्यूट्रॉन का 1.008 AMU। अब है कि रिलेटिव मैस निकालते कैसे हैं, जितना भी एटॉमिक मैस होता है उसको ग्राम्स में डिवाइडेड बाय, जो मैस है इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ AMU इन ग्राम्स। देखिएगा फॉर एग्जांपल हम यहाँ एटॉमिक मैस की बजाय इलेक्ट्रॉन का मैस लिख लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का मैस डिवाइडेड बाय AMU की वैल्यू है, तो ये आ गया 0.0054 AMU। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मैस, यानी जिसका रिलेटिव एटॉमिक मैस निकालना है उसका मैस ऊपर लिखें और डिवाइड कर दें AMU की वैल्यू से, बस यूनिट सेम रखनी है, अगर ग्राम है तो दोनों की वैल्यू ग्राम्स में ले, अगर किलोग्राम है तो दोनों की वैल्यू किलोग्राम में लेंगे। नेक्स्ट है मैस ऑफ वन मोल, मैस ऑफ वन मोल के लिए वन मोल में कितने पार्टिकल होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन का मैस मैंने मिलीग्राम में लिखा है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 0.55 मिलीग्राम आंसर आ गया। प्रोटॉन का मैस ग्राम में मैंने लिखा है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया 1.007 ग्राम एक मोल प्रोटॉन का, और एक मोल न्यूट्रॉन का मैस मैंने ये ग्राम में लिखा है, एक न्यूट्रॉन का मैस मल्टीप्लाई किया तो 1.008 ग्राम आ गया। इसी तरह अगर चार्ज देखें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.602 × 10⁻¹⁹ कॉलम, और प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है, सिर्फ सिंबल का फर्क होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अगर हम रिलेटिव चार्ज निकालें तो इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0 आएगा। रिलेटिव कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैसेज को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, वो जो रेशियो आएगी वो रिलेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए -1 और प्रोटॉन के लिए +1, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, सिर्फ सिंबल का फर्क है। नेक्स्ट है चार्ज ऑन वन मोल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वन मोल का निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ये वाला है 1.602 × 10⁻¹⁹, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑलमोस्ट 9.64887 आंसर आ जाएगा। सेम प्रोटॉन के लिए भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। नेक्स्ट है चार्ज टू मैस वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस वैल्यू 1.7588 × 10⁻¹⁹ कॉलम्स पर किलोग्राम, इसका मतलब है एक किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अगर आपने 100 ग्राम पर निकालना है, 1 ग्राम, 10 ग्राम, जितने पर मर्जी निकाल ले, आपको पता है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पर चार्ज इतना है, तो आप यूनिटी मेथड लगाएंगे, 1000 पर इतना है, 1 पर कितना होगा, 10 पर कितना होगा, जितने पर मर्जी निकाल सकते हैं। सिमिलरली प्रोटॉन का चार्ज टू मैस वैल्यू 9.579 × 10⁻¹⁷ कूलम्स पर किलोग्राम। देखें प्रोटॉन का मैस ज्यादा है, मैस नीचे है, चार्ज ओवर मैस है, जितना मैस ज्यादा होता जाएगा चार्ज टू मैस वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो देखें
इसका मैस ज्यादा हो गया प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी चार्ज टू मैस वैल्यू भी कम होगी। ये 10^7 है, ये 10^11 है। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ सब शेल्स। सबसे पहले एस सब शेल है, ये 1s है हमारे पास, ये जो रेड में सर्कल है, इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन शेप। ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है और ये हर एक्सिस के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये 2s है, अब 2s में देखें, ये 1s है रेड में लाइन सर्कल जो है, और ये रेड में 2s है, दरमियान में जो व्हाइट वाला सर्कल है ये नोड है। नोड क्या होता है? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, जहां पर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। अगर 3s आएगा तो नोड दो हो जाएंगे व्हाइट में, तो ये दो नोड हो जाएंगे, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। अब 1s और 2s में फर्क क्या है? 1s और 2s में सिर्फ साइज का फर्क है, दोनों की शेप सेम आएगी। इसी तरह आप p सबशेल देख लें, px, py और pz, ये डंबल शेप्ड होते हैं, ये px एक्सिस के साथ है, ये y और z। अब अगर 2p और 3p में फर्क देखना हो तो 2p और 3p में सिर्फ साइज का फर्क होता है, शेप डंबल ही रहती है। सिमिलरली डी सबशेल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिटवीन दी एक्सेस, जैसा कि देखें dyz, ये y और z के दरमियान है, दो एक्सेस के दरमियान है। इसी तरह dxz, x और z के दरमियान है, और फिर ये dxy, ये x और y के दरमियान है, ये सारे डंबल शेप है, उसमें डबल डबल डंबल है। दो सबशेल ऐसे होते हैं जो ऑन दी एक्सेस होते हैं, एक है dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये देखें x और y एक्सेस के ऊपर है, और दूसरा है ये dz स्क्वायर जो z के ऊपर है, और इसके साथ ये कॉलर शेप्ड भी है, इसमें साथ dz स्क्वायर कॉलर शेप्ड विद कॉलर है। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।